हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे फाइल एलोकेशन मेथड्स की। फाइल एलोकेशन मेथड को समझने से पहले कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं फैट और एनटीएफएस, इन दो को हम सीखेंगे। तो उसको समझने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कुछ फिजिकल डिस्क के बारे में। तो फिजिकल डिस्क क्या होती है? ओके, फिजिकल डिस्क क्या है कि जो ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं जो फिजिकल डिस्क, वो हमारी हार्ड डिस्क होती है। कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक ऐसी डिस्क, एक ऐसा स्टोरेज जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम कह सकते हैं जैसे कंप्यूटर स्टोर देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। यानी कि तीनों चीजें जहां स्टोर होती हैं हमारे कंप्यूटर की, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं। अभी इसी की जगह दूसरी हमारे और भी फिजिकल डिस्क हो सकती है, फ्लॉपी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हम एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क में क्या होता है? हार्ड डिस्क कंटेन्स सेवरल प्लेटर्स। ठीक है, बहुत सारे प्लेटर्स के कॉम्बिनेशन से हार्ड डिस्क बनती है। प्लेटर में आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये हार्ड डिस्क है और ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसमें सर्कुलर डिस्क टाइप की, ये सारे क्या है? प्लेटर्स हैं। बहुत सारे इसके अंदर प्लेटर्स हैं और इन प्लेटर्स के कॉम्बिनेशन से फिर एक पूरी हार्ड डिस्क जो है वो तैयार होती है। ओके, अब प्लेटर्स क्या होता है? प्लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है ट्रैक्स का। ठीक है, और उन ट्रैक्स के ऊपर फिर सेक्टर्स हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? प्लेटर की अगर हम बात करें, पहले प्लेटर समझ लेते हैं। प्लेटर की अगर हम बात करें तो प्लेटर इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, इधर एल्यूमिनियम और ग्लास। एल्यूमिनियम क्या गलत है इसमें? या तो एल्यूमिनियम का हो सकता है या ग्लास का हो सकता है। ग्लास का जो हमारे प्लेटर्स होते हैं उससे फायदा ये होता है कि ये प्लेटर्स ऑफ ग्लास क्या होते हैं? बहुत जो हमारे डिस्क का जो साइज हो जाता है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, थिनर, क्योंकि प्लेटर्स जो होते हैं थिनर हो जाते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? प्लेटर्स बिकम थिनर, That is the size of the disk reduces. ठीक है, एंड दूसरा काम जो करते हैं जो ग्लास के बने हुए प्लेटर, उसका फायदा क्या होता है कि जो डिस्क जो हीट जनरेट करती है उस हीट को एक तरीके से रेसिस्ट करता है। हम लिख सकते हैं इसको, it is most resistant to heat that the drives generate. Okay, अच्छा, अब हमको क्या करना है? जो हमारे प्लेटर्स हैं, मान लीजिए उन पर हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। ठीक, वो कैसे स्टोर होगी? वो इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी? To store information on platter, they are coated with a magnetically sensitive material. ठीक है, अब ये magnetically sensitive material जो है, कोई ये क्या हो सकता है? ये आपका आयन ऑक्साइड भी हो सकता है, ये एलॉय भी हो सकता है कोबाल्ट का। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको, दैट मे बी आयरन ऑक्साइड एंड एलॉय ऑफ कोबाल्ट एंड एलॉय ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, अब जो डेटा है प्लेटर पर जिसको हमने स्टोर किया, उसको हमें अगर एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे? हेड के थ्रू। डेटा ऑन द प्लेटर
is accessed by a head which is moved by a head arm. ठीक है, एक head arm होता है, उस head arm की help से ये head arm हो गया, इसकी help से जो है head move करता है और वो head जहाँ पर जिस letter में जिस track पर पहुँचता है वहां से information जो है access हो जाती है. ठीक है, उसके बाद the information stored on the hard drive is divided into many distinct areas on the plate. ठीक है, जो बात मैंने अभी बताई उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर. प्लेटर जो भी प्लेटर है उस पर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स में बहुत सारे सेक्टर होते हैं, यानी कि ट्रैक्स और ये सेक्टर जो एरियाज है, डिस्टिंग एरिया, अलग अलग एरियाज हैं, इनमें इंफॉर्मेशन जाकर स्टोर होती है. ओके, अब समझते हैं फाइल सिस्टम. ये बात यहाँ तक हो गई, हार्ड डिस्क क्या है, फिजिकल डिस्क क्या है. अब हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं. फाइल सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल को एक्सेस करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको स्टोर करना, इन सबको मैनेज करना, ये सब करने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है, उसी को हम फाइल सिस्टम कहते हैं. यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, वी नीड फाइल सिस्टम. क्यों? बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड अ मेथड. ठीक है, अब ये मेथड क्या है, किस लिए? टू मैनेज डेटा स्टोर. कहां पर स्टोर? ऑन अ हार्ड ड्राइव. ओके, तो फाइल सिस्टम की जरूरत क्यों है? जो भी हमारे हार्ड ड्राइव पर डेटा है उस डेटा को एक्सेस करना है, उसको मैनेज करना है, वहां पर डेटा को स्टोर करना है, व्हाटएवर जो भी है, जिस तरह से भी हमको मैनेज करना है, वो मैनेज कब होगा? किसी ना किसी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा, उसी सिस्टम को हम फाइल सिस्टम कहते हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स स्टोर हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की फाइल्स, उनको हम किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, वो जो तरीका है उसको स्टोर करने का, उसको उस तरीके को, उस मेथड को हम फाइल सिस्टम कह रहे हैं. अब कोई फाइल अगर है तो उस फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑफ अ फाइल, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे हम बात कर सकते हैं. नंबर वन, नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नाम होगा ये एट्रीब्यूट. सेकंड, टाइप ऑफ द फाइल. थर्ड, लोकेशन ऑफ द फाइल, फाइल कहाँ पे स्टोर है. फोर्थ, साइज ऑफ द फाइल, फाइल का साइज कितना है. अब ये साइज जो होता है यूजुअली ये हमारा किसमें होगा? इन बाइट्स, वर्ड्स और ब्लॉक्स. इस तरह से हमारा या तो बाइट्स में होगा या वर्ड्स में होगा, ठीक है, ब्लॉक्स में होगा, ये हमारी फाइल का साइज होगा. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की. ये जो प्रोटेक्शन वाला एट्रीब्यूट है ये यूजली यूजर इसको डिफाइन करता है, इसको स्पेसिफाई करता है. ठीक है, इससे क्या होता है कि जो फाइल है उसको एक्सेस करने के एक तरीके से लेवल जनरेट हो जाता है कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है. तो हम इसको लिख सकते हैं यूजुअली स्पेसिफाइड बाय अ यूजर. ठीक है, दूसरी बात इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट डिफाइंस द
the level of access that other users can have. ठीक है, अब क्या क्या एक्सेस हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एक्सेस हो सकते हैं? रीडिंग हो सकता है, अगर फाइल को रीड करना हो, एग्जीक्यूटिंग हो सकता है, फाइल हमारी exe फाइल है उसको एग्जीक्यूट करना है, या फिर राइटिंग हो सकता है कि उस फाइल में कुछ लिखना है, और भी बहुत सारे जो भी काम हो सकते हैं, मेन काम है मतलब लिख एक्सेट्रा. ओके, उसके बाद फाइल का अगर हम बात करें, टैग्स की बात करें कि हमें फाइल को अगर अच्छा कुछ एट्रीब्यूट्स की बात और कर लेते हैं इसमें, मतलब इम्पोर्टेंट तो यही है लेकिन इनको भी लिख लीजिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइम होता है, टाइम है, डेट है, इसी में कर देता हूँ इसको भी, एंड ऑनर किसने बनाई है फाइल, किसने क्रिएट करी है, ये सारी चीजें भी एट्रीब्यूट्स में आती हैं, ये भी फाइल एट्रीब्यूट्स ही है. ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो फाइल के ट्रैक को एक तरीके से क्या अपने पास रखते हैं. ठीक है, उसका किसने उसको क्रिएट किया है, ठीक है, लास्ट कब वो मॉडिफाइड हुई थी, ओके, और लास्ट जब उसको यूज किया गया था तो किस डेट पे यूज किया गया था, किस टाइम पे यूज किया गया था, यहाँ पे लिख सकते हैं उसको क्रिएशन और एक तरीके लास्ट मॉडिफिकेशन और लास्ट यूज डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम ये लिख रही. तो ये सारी चीजें, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं इन सारी चीजों को भी मैनेज करते हैं, तो ये भी एक तरीके से फाइल एट्रीब्यूट्स में ही आ गया. ठीक है, ओके. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं कि किसने फाइल को क्रिएट किया है उसको भी मैनेज करते हैं एक तरीके से. जैसे उसको मैं एट्रीब्यूट्स में नहीं लिख रहा हूँ, मैं अलग से बता रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं विंडोज एनटी की, विंडोज एनटी के अंदर ये चीज थी कि कोई फाइल जब क्रिएट होती थी तो जो क्रिएट कर रहा है, जो यूजर है, वो उसका नाम भी एट्रीब्यूट्स में आएगा. जो फाइल के हम डिटेल्स को देखेंगे तो वहां पर वो मेंशन होता है. ओके, अब बात करते हैं हम फाइल में ऑपरेशंस की. इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पूरा इसकी जरूरत नहीं है. फाइल ऑपरेशंस, फाइल में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं फाइल के ऊपर, साइज इसका बड़ा हो जाता है. क्या क्या ऑपरेशन, बहुत नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं. ठीक है, जैसे कि फाइल क्रिएट करना सबसे पहला ऑपरेशन है, और फाइल में हमें कुछ राइट करना है, या फाइल से हमको रीड करना है, फाइल को डिलीट करना है, ये सारी चीजें जो यही ऑपरेशन के आते हैं. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं देयर वेरियस ऑपरेशंस दैट परफॉर्म ऑन अ फाइल. क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसमें और लिख लीजिए, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं. दीज ऑपरेशंस आर provided by the operating system as system calls. Okay, यानी कि जो भी operating system कोई भी operation perform कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, system call. For example, number one, creation फाइल या क्रिएटिंग ए फाइल और क्रिएटिंग फाइल कुछ भी क्रिएट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई फाइल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको एक स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर जगह पर, डिस्क में एक प्रॉपर जगह पर एक स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा जहां पर वो उस फाइल को स्टोर कर सके. ठीक है, टू क्रिएट अ फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे बना, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एलोकेट द
the proper amount of storage. ऐसे लिख proper amount of storage. ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मतलब कि उस फाइल जितने स्पेस में जितनी जगह पर वो फाइल जाके स्टोर हो सकती हो उतने स्पेस को वो पहले क्रिएट करेगा. ओके, देन एन एंट्री इनटू द फाइल्स डायरेक्टरी be made in order for user to see that the file is in that directory. Okay, अब ये बात पूरी हो गई. पहले तो एक लोकेशन को जज किया कहाँ पर जाके फाइल को स्टोर करना है, then जो डायरेक्टरी है फाइल्स की डायरेक्टरी है वहां पर उसकी एंट्री को किया ताकि क्या हो उससे यूजर जो है आसानी से उसको चेक कर सके कि हमारी फाइल कहां पर है किस डायरेक्टरी में है. दूसरा जो ऑपरेशन है दैट इज राइटिंग. ठीक है, राइटिंग ही लिख देते, राइटिंग इन अ फाइल राइट. इसमें क्या होगा टू राइट टू अ फाइल. क्या करें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले जिस लोकेशन पर राइट करना है वहां उसको पहुंचना है. अब वहां पहुंचने के लिए उसको पॉइंटर चाहिए. ठीक है, तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंटर को मैनेज करेगा जो हाँ वहां उस लोकेशन पर पहुंचाएगा. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स राइट पॉइंटर. ऐसे रीड के लिए रीड पॉइंटर रहेगा. अभी हम राइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राइट पॉइंटर दैट स्पेसिफाइज द नेक्स्ट लोकेशन टू राइट टू. ओके, जिस लोकेशन पर राइट करना है उस लोकेशन को स्पेसिफाई कौन करेगा, राइट पॉइंटर. दिस पॉइंटर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, दिस पॉइंटर मस्ट बी updated whenever a write occurs. यानी कि जब भी write operation होगा उसके बाद ये pointer है वो update होना चाहिए, यानी location जो है वो change हो जानी चाहिए. Third operation जो इसमें perform होगा that is reading. Reading a file as in writing. हमने जैसे राइटिंग में किया है अभी उसी तरह से यहाँ भी पॉइंटर होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल और रीड पॉइंटर दैट स्पेसिफाइड द नेक्स्ट लोकेशन रीड फ्रॉम. रीड पॉइंटर is updated on every read occur. ये बिल्कुल हमारी सेम चीज हो गई जैसे राइट ऑपरेशन में पॉइंटर जो था अपडेट हो रहा था राइट होने के बाद, उस तरह से यहाँ पर भी अपडेट होगा रीड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद. उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज डिलीटिंग ए फाइल. इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक फाइल प्रॉपर फाइल को जज किया जाएगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा जिसको डिलीट करना है. फर्स्ट प्रॉपर फाइल दैट इज टू बी डिलीटेड दैट इज टू बी डिलीट इज लोकेटेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद क्या होगा देन द स्पेस associated with the file is freed and its entry in the directory is open. बात समझ में आ गई कि सबसे पहले क्या हुआ, फाइल को लोकेट किया,
फाइल को लोकेट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि स्पेस एसोसिएट करता, जो भी फाइल के साथ स्पेस एसोसिएट है, जो भी उसका स्पेस है उसको फ्री कर देता है, और जहां इसकी एंट्री थी डायरेक्टरी के अंदर वहां से रिमूव कर देता है कि ये फाइल अब हमारी डिलीट हो चुकी है। ओके, डायरेक्टरी का मतलब क्या है? डायरेक्टरी का मतलब जैसे आपने विंडोज में देखा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कोई फोल्डर खोलते हैं, तो फोल्डर क्या एक डायरेक्टरी है। अब डायरेक्टरी के अंदर फर्दर डायरेक्टरी हो सकती है, डायरेक्टरी के अंदर फर्दर फाइल्स हो सकती है, ठीक है। ये डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसी को हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं कि किस किस तरह से है, किसके अंदर क्या है। और यहाँ पर जो हम अगर हम विंडोज में बात करें तो यहाँ पर जो हमारी डायरेक्टरी होती है किस स्ट्रक्चर में होती है, ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, वो क्या होता है समझे। ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए, ये रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी में ये प्रोग्राम फाइल्स, टेम्प, विंडोज, ये तीन तरह की डायरेक्टरी बनी। अब प्रोग्राम फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर ये सब डायरेक्टरी हुई, ये ICQ एक सब डायरेक्टरी है, माइक्रोसॉफ्ट सब डायरेक्टरी है, प्लस सब डायरेक्टरी है। अब ICQ जो डायरेक्टरी है सब डायरेक्टरी, इसके अंदर फाइल्स है। माइक्रोसॉफ्ट जो सब डायरेक्टरी है, इसके अंदर फर्दर डायरेक्टरी है एक्सेल एंड वर्ड, एक्सेल के अंदर फाइल्स है, वर्ड डायरेक्टरी के अंदर फिर फाइल्स है। यहाँ प्लस जो सब डायरेक्टरी थी उसके अंदर फाइल्स है, यहाँ टेम्प डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स है, कोई सब डायरेक्टरी नहीं है। विंडोज के अंदर यहाँ ड्राइवर, प्रोफाइल और सिस्टम करके तीन डायरेक्टरी बनी हुई है, इन सब के अंदर फाइल्स है। इसी तरह से और फर्दर इसी तरह से और एक्सप्लोरेशन हो सकता है, और आगे डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी एंड सो ऑन, बहुत बड़े लेवल तक ये डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, इन ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देयर इज अ रूट डायरेक्टरी विच कंटेन्स files and subdirectories, ठीक है। दूसरी बात, the roots subdirectories can contain other directories and files and so on, कितना भी ये चलता रहेगा, ठीक है। Most popular file systems, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो popular file systems हैं वो कौन कौन से हैं, तो number one हमारा होता है FAT, ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल। नंबर टू NTFS और HFS एंड EXT, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे अभी हम, हमें इसमें दो पढ़ने हैं, FAT एंड NTFS, ये हमारे सिलेबस में, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि ये और अच्छे से बात समझ में आ जाए। फाइल सिस्टम अगर हम इसको ट्री स्ट्रक्चर बनाए, इसका इस तरह बना सकते हैं हम कि फाइल सिस्टम हमारा एक होता है FAT, ओके, एक
एक हमारा होता है NTFS, और एक हमारा होता है HFS, और एक हमारा होता है EXT। ठीक है, ये दो हमको नहीं पढ़ना है, ना ये पढ़ना है हमको और ना ये पढ़ना है। ओके, इसके अंदर और फर्दर के वर्जन होते हैं वो भी हमको नहीं समझना है। हम बात करते हैं फैट की। अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट अलग अलग वर्जन में आता है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फैट 12, फैट 12, उसी तरह से फैट 16 और फैट 32 भी होता है। तो फैट ये सेम हो गया 16, एंड थर्ड वन इज फैट 32। ओके, अगर हम NTFS की बात करते हैं, जो कि हम अभी करंट जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं विंडोज के, सब NTFS होते हैं, तो इसमें भी वर्जन होते हैं अलग अलग। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, जैसे फैट ये सबसे पहला आया था 1980 के आसपास ही आया था, फिर 4-5 साल के बाद ये 84 के अप्रोक्स ये आ गया। सबकी अपनी अपनी लिमिट थी, साइज लिमिट भी थी, और अपना जो भी लिमिटेशन है सबके अलग अलग थे। उसी 32, फिर 96 के आसपास में 32 आ गया था, फैट 32। और उसके बाद जो NTFS ने एक तरीके से फैट को कवर किया, इसने जो फीचर्स थी, तो अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के आ रहे हैं सब में NTFS होता है, फैट नहीं होता। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द फाइल सिस्टम। ठीक है, इसमें हम बाद में बात करेंगे अभी आगे। अगर हम इसकी वर्जन की बात करें तो इसमें वर्जन आपका इस तरह से रहते हैं, जैसे एंड NTFS 1.0, ऐसे नेक्स्ट था 4.0। ठीक है, ये सेम हो गया NTFS 4.0, एंड इसको ऐसे NTFS सेम NTFS और 5.0, इसको जीरो ना पढ़ो, इसको फोर बोलना, और फोर्थ इज 5.1 NTFS 5.1। ओके, उसी तरह से HFS में बात करें तो उसमें अलग अलग वर्जन थे, HFST, APFS and so on, EXT 2, 3, 4, तो इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको जो पढ़ने हैं वो FAT और NTFS पढ़ने हैं, FAT 32 और NTFS। तो सबसे पहले हम बात करेंगे FAT 32 की। FAT फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, और उसके आगे ही लगा देते हैं 32, FAT 32। इसको FAT 32 क्यों कहते हैं? क्योंकि फैट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग जितनी भी फाइल्स होती हैं या जो फोल्डर्स होते हैं उनको टेबल की फॉर्म में एलोकेट करता है। ठीक है, और ये जो 32 बिट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसको मैनेज करता, उसमें ये यूज होता था, इसलिए इसको फैट 32 बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, इट इज कॉल्ड FAT 32 या FAT, because 32 तो इसको वर्जन हो गया, FAT क्यों कहते हैं वो बात समझनी है, because it
allocates different files and folders using tables. Okay, बात clear हो गई. किसने develop किया था? Microsoft, of course. It was developed by Microsoft to accommodate the ever increasing size of hard disk. ठीक, दो पॉइंट बन गए. उसके बाद अगर हम ओरिजिनेशन की बात करें कि कब ओरिजिनेट हुआ था, 1977 में हुआ था ओरिजिनेट विद एमएस डॉस इन 1977. ठीक है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विद विंडोज 95, विंडोज 95 OS R2. And later with Windows 98 and Windows 2000. Okay, तो ये history हो गई एक तरीके से इसकी, FAT की, किस तरह से काम करता है ये. सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरेस कर लेते हैं. ये ठीक है. सपोज हम पहले एक डायरेक्टरी की एंट्री बना लेते हैं. ये डायरेक्टरी एंट्री बनी. स्केचिंग इस पर सही से नहीं आएगी, पेंट है ये. कुछ इसके अंदर हम सेक्शंस बना लेते हैं. यहाँ फाइल का नाम हो गया, सपोज फाइल का नाम हम रख लेते हैं एबीसी. एबीसी फाइल है और ये टेक्स्ट फाइल है डॉट टीएक्सटी. ये हो गया इसका एक्सटेंशन. ओके, उसके बाद और भी बहुत सारी जो भी एंट्रीज हैं, जो भी हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे फाइल के, वो हो गए. और लास्ट में मान लीजिए जो पहला ब्लॉक फाइल का होगा वो बना लेते हैं. ये 217, ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया. फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया फाइल का, फाइल ठीक. अब आते हैं हम एंट्री पर. ये हमारी डिस्क है, डिस्क पे एंट्री है, ये डिस्क में एंट्री है अलग अलग लोकेशन पर. मान लीजिए एक लोकेशन ये है, इस लोकेशन का जो एड्रेस है दैट इज जीरो. एक और लोकेशन है सपोज, और इसका एड्रेस है 217 सपोज. एक और लोकेशन है मान लीजिए, ये ले लेते हैं, इसके मान लीजिए एड्रेस है 339. एंड एक लोकेशन हम यहाँ बना लेते हैं, स्पेस कम है इसलिए यहाँ बना रहे हैं इसको. और इसका एड्रेस मान लीजिए हम ले लेते हैं 618. ये कुछ लोकेशन हमने यहाँ पर दिखाई है, 1 2 3 4, चार लोकेशन यहाँ पर दे रखी है. फाइल एलोकेशन टेबल किस तरह से काम करती है वो उसको समझने की कोशिश कर रहा है. अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर इस लोकेशन पर वैल्यू, कोई वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पता नहीं क्या मालूम है.
हम ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको अभी। यहाँ पर भी बहुत सारे एड्रेसेस हैं, उनमें वैल्यूज होंगी, उनको भी नहीं दे रहे। यहाँ पर कुछ में वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए हमने 618 असाइन कर लिया। प्रोसेस को समझने के लिए चार लोकेशन हम यूज करते हैं। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर भी कोई वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ 339 है सपोज, और यहाँ पर ये फाइल का एंड हो गया, एंड ऑफ फाइल। ठीक है, अब होगा क्या, सबसे पहले मान लीजिए ये 217 जो है इसने पॉइंट किया इस एड्रेस को। ठीक है, यहाँ पर जो डेटा है दैट इज 618, और वो क्या है, वो पॉइंटर है कहाँ का, इस जगह का। तो यानी कि एक्सिस कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, यहाँ। ठीक है, अब यहाँ क्या मिली वैल्यू, 339। ये वैल्यू है इस लोकेशन पर जो कि एक तरीके से पॉइंटर का काम कर रही है, किसके लिए, इस एड्रेस के लिए। तो अब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ क्या मिल गया, फाइल का एंड। इस तरह से जो पूरी फाइल है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी फर्स्ट ब्लॉक हमने लिया, फर्स्ट ब्लॉक फाइल में हमारा किस जगह मिला, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और जैसे एंड पर पहुंचे हमारी फाइल पूरी एक्सेस हो गई। तो ये फैट का काम इस तरह से फैट काम करता है। ओके, अब जितने भी इसमें हम वेरिएंट यूज कर रहे हैं, जितने भी हम जो हमारे क्या फैट के अलग अलग वर्जन है, एनटीएफएस के अलग अलग वर्जन है, ठीक है, सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, सबके अपने अपने डिसएडवांटेज, यानी कि सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर जो मेथड है वो परफेक्ट। अब बात करते हैं हम एनटीएफएस की। NTFS NTFS New Technology File System। ओके, ये NTFS की स्टार्टिंग हुई थी विंडोज NT से, 1993 के आसपास में विंडोज NT जब आया था, तो उसमें जो NTFS जो था वो NTFS के साथ आया था, विंडोज NT, इसको लिख लीजिए, उसको विंडोज NT कम विद NTFS, और इन 1993 आई थिंक 1993 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इट एनहांस्ड एंड मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ फैट सिस्टम जो हम यूज कर रहे थे पहले, उसका क्या था, एक ऐसे एडवांस वर्जन था। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, ऑल विंडोज इंस्टॉलेशन is done on NTFS. It first formats the storage in NTFS format, then install on it. ठीक है, यहाँ गलत हुई है, विंडोज इंस्टॉलेशन जितना भी है वो क्या है, NTFS पर ही होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम कोई विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो पहले जो ड्राइव है वो फॉर्मेट होती है, तो वो कैसे है, NTFS फॉर्मेट पर ही फॉर्मेट होती है, और उसके बाद फिर विंडोज इंस्टॉल होना शुरू होता है। इट हैज नो लिमिट्स ऑफ फाइल साइज, ठीक है, फाइल साइज लिमिट है, एंड नो पार्टीशन और वैल्यू लिमिट। ठीक है, हम कितना भी इसमें पार्टीशन कर सकते हैं और कितना भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वैल्यू ने वॉल्यूम लिखी है, इसको कितना ही वॉल्यूम, कितना ही डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं।
ये NTFS और FAT की बात हो गई, थोड़ा सा इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अगर हम FAT की बात करते हैं तो FAT के एडवांटेजेस क्या हैं? यहाँ FAT हम FAT 32 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एडवांटेजेस नंबर वन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑन पार्टीशंस अंडर 200 MB तक कोई पार्टीशन है तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा, एबल टू यूज अनडिलीट यूटिलिटीज, एंड थर्ड हम लिख सकते हैं कंपेटिबल विद मैनी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, अगर हम एडवांटेज की बात करें वो क्या क्या हो सकते हैं, डिस एडवांटेजेस थोड़ा कर लेते हैं, डिस एडवांटेजेस नंबर वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस कंटिन्यूज टू डिक्रीज, ठीक है, कब, ऑन पार्टीशन ओवर 200 MB। सेकेंड, अनसिक्योर्ड। थर्ड, प्रोन टू फ्रेगमेंटेशन। ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एंड द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हैज नो फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये हमारे FAT के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। उसके बाद हम NTFS की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस नंबर वन, वेरी सिक्योर ऑफ कोर्स। सेकंड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑन पार्टीशन ओवर 400 MB। ओके, फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एनहांसेस परफॉर्मेंस ठीक, रिलायबल एंड लेस प्रोन करप्शन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और लेस प्रोन टू फ्रेगमेंटेशन। इसको याद कर लीजिए, फ्रेगमेंटेशन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इसमें कवर नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस नंबर वन, पुअर परफॉर्मेंस ऑन पार्टीशन अंडर 400 MB। सेकेंड, नॉट सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का क्लास का जो टॉपिक था ये कवर हो गया। सबसे पहले हमने इसमें बात करी थी कि फाइल सिस्टम को समझना था, तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि फाइल हमारी कहाँ स्टोर होती है। Obviously, किसी ना किसी फिजिकल डिस्क में स्टोर होती है, तो हमने इसमें बात करी हार्ड डिस्क के बारे में, और बहुत ब्रीफली हमने हार्ड डिस्क को समझा कि हार्ड डिस्क एक्चुअली होती क्या। उसके बाद हमने बात करी कि हार्ड डिस्क में जो स्टोरेज होती है किस फॉर्म में होती है,
जो फाइल है या फोल्डर है वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज होती है, उसी को हम फाइल सिस्टम कहते हैं। फिर हमने फाइल सिस्टम को समझा, फिर हमने डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को समझा कि किस तरह से डायरेक्टरी जो है फाइल्स फाइल और उन डायरेक्टरी का पूरा एक स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार होता है डिस्क के अंदर, ठीक है, जो ट्री फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे थे और जिसको हमने देखा भी था यहाँ पर, ये इस तरह से, ठीक है, ये किसी भी लेवल तक जा सकता है नीचे और कितना भी और कितना यहाँ पर भी हो सकता है, जितना भी डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरी अंदर फर्दर सब डायरेक्टरीज एंड सो ऑन, और सब डायरेक्टरीज के अंदर फिर फाइल कितना भी हो सकता है। तो उसके बाद हमने बात करी थी कि हम फाइल को जो ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए जो मेथड्स हैं, जो फाइल सिस्टम को मैनेज करना, उसको मैनेज करने के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हमने टेक्नोलॉजीज वो मेथड्स हमने सीखे, फैट है, NTFS है, बाकी दो मेथड और थे जिसको हमने आप मना कर दिया कि वो नहीं करने, वो अपने सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो फैट की अगर हम बात करते हैं तो फैट में अलग अलग वर्जन है, अलग अलग फ्लेवर्स हैं, ठीक है, फैट 12, फैट 16, फैट 32, इस तरह NTFS के अलग अलग वर्जन है। तो उसके बाद हमने फैट 32 और NTFS के डिफरेंस को समझा, उनके एडवांटेजेस को समझा, उनके डिसएडवांटेजेस को समझा। तो ये आज की पूरी क्लास हो गई, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।